नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय यादव पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे हो गए। तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? मेरे वीडियोस में गैप हो गया 2-3 दिनों का। तो इतने बीच आप लोगों ने क्या किया, रिवीजन किया या नहीं किया? आई होप किया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले जो इंडिया के नए नोट हैं उनकी विशेषताएँ पढ़ेंगे, यानी कि मनी मुद्रा होती क्या है। वैसे तो मुद्रा यानी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज हम पढ़े तो मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है, यानी कि वस्तु विनिमय यानी वस्तु का लेन देन करने का एक माध्यम है। जैसे आपको कोई चीज़ मार्केट में पसंद आई तो आप क्या करोगे, आप मनी दोगे यानी मुद्रा यानी पैसा दोगे, उसके बदले में वो प्रोडक्ट या वो गुड्स ले लोगे, परचेज कर लोगे मार्केट से। तो आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे मैं आपको पढ़ाने वाला तो हूँ मुद्रा क्या, वैसे मुद्रा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, मुद्रा के यूज़ कैसे हैं, तो बट उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। बट सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो इंडिया के नए नोट हैं उनकी विशेषताएँ बताऊँगा। जो पुराने वाले नोट थे उनमें उनकी इतनी विशेषताएँ नहीं थी, जो कि नए नोट्स हैं उनकी विशेषताएँ पूछी जा रही हैं आजकल के एग्ज़ाम में। तो अभी UPSI में भी आया था इसमें से क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, तो हम उसमें पढ़ने के वाले विशेषताओं में पहले ये भी जान लो थोड़ा बहुत, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा एंड समझाऊंगा क्लियर। तो आज हम इंडिया के जो नोटों की विशेषताएँ पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मतलब उनके रंगों के बारे में। आपको रंग, आपको हाथ में मैंने नोट भी दे दिया ना, आप फिर भी करेक्ट उसका रंग नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं सही रंग, सही मायने में कि इंडिया के जो नोट्स हैं उनके रंग कैसे हैं, ठीक है? तो उनके रंगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो और उससे पहले मैंने आपको बता दूं जो इंडिया के नोट के पीछे जो मैंने चित्र बनाया हुआ है डिटेल में, कि जैसे कि एलोरा की गुफा है, ठीक है, और सांची का स्तूप है, लाल किला है, ये सब कहाँ पर है। मैंने नोट्स के एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अलग, स्ट्रेटजी के तो है ही सीरीज चल रही है हमारी, बट बेसिक नॉलेज के नाम से मैंने गिर रखी है, उसमें नोट के पीछे क्या और कहाँ की बातचीत करी गई हैं मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम क्लास की तरफ अग्रसर आने की स्टार्ट करते हैं, आइए। तो फीचर्स ऑफ न्यू नोट्स यानी नोटों की विशेषताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नोट के कलर के बारे में पढ़ेंगे, साइज़ के बारे में पढ़ेंगे और पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नोट का साइज़ कितना है, उसके कलर कौन सा है और उसके जो नोट के पीछे कौन सा पिक्चर छपी है यानी कि पिक छपी हुई है। तो शुरू करते हैं नाउ। नोट जो 10 रुपये का नोट है उसे कलर कैसा है, कितने देखा हुआ चॉकलेट है ना, चॉकलेटी कलर है, बट आप लोग गलत बोल रहे हो, चॉकलेटी कलर तो है बट क्या, चॉकलेट ब्राउन कलर है, ठीक है? आप अगर आप एग्जाम में जाते तो आप क्या करके आते, सिर्फ चॉकलेट करके आते या फिर चॉकलेट वाइट करके आते, हल्का फुल्का आपने वाइट देखा होगा, बट रियल कलर जो एक्चुअल कलर है क्या है, वो 10 रुपये का नोट का कलर है चॉकलेट ब्राउन, ठीक है? रेड वाला मार्कर कहाँ आ जाए जरा, तो चॉकलेट ब्राउन। और जो इसका साइज़ है कितना है, 63 × 123 यानी कि 123 mm। और जो 10 रुपये का नोट के पीछे क्या छप रहा है, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। अब जाते हमारे क्या नेक्स्ट, 20 रुपीज़ का नोट, वो उसका कलर कैसा है, उसका कलर आपने देखा होगा कि ग्रीन है, बट ओनली नोट ग्रीन है, हल्का फुल्का येल्लो मिक्स है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रीनिश येल्लो। जो 20 रुपीज़ का नोट है उसका कलर है ग्रीनिश येल्लो। और जिसका साइज़ है वो कितना है, 62 × 129 यानी कि 129 mm यानी 62 × 129 mm। और इस पर क्या छप रहा है, एलोरा की गुफा। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या आता है, 50 रुपीज़ का नोट, 50 यानी कि 50 रुपये का नोट, उसका कौन सा कलर है, उसका कलर है आपको लगता है वो देखने में हल्का फुल्का कैसा, आपने देखा हो हल्का ग्रीन से लगता है, एम राइट, हल्का ग्रीन मिक्सअप एंड ब्लू मिक्सअप, बट ऐसा नहीं है। जो 50 रुपीज़ का नोट है उसका कलर है फ्लोरिसेंट ब्लू, ये आपका फ्लोरिसेंट ब्लू। और जिसका साइज़ कितना है, 66 × 135 mm यानी कि 66 × 135 mm। और जिसके पीछे क्या छप रहा है, हम्पी टेम्पल, ठीक है, जो कि MP में है। और ये जो है एलोरा गुफा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, 100 रुपीज़ नोट,
आपने देखा होगा हल्का पर्पल कलर मतलब कि बैंगनी कलर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, जो उसे हम क्या बोलेंगे, जो 100 रुपीज़ का नोट का कलर है उसे हम बोलेंगे लेवेंडर, लेवेंडर कलर का होता है 100 रुपीज़ का नोट। और जिसका साइज होता है वो क्या होता है 66 × 142 mm। और जो इस पे पीछे मतलब नोट छपे, नोट के पीछे क्या छपा है, रानी की वाव, जिसे हम 7 मंजिला सीढ़ीनुमा कुआं बोलते हैं, जो कि बहुत ही गहरा है। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट वो क्या आता है, अब जो हमारे पास आता है वो आता है 200 रुपीज़ नोट, जो कि देखने में तो हल्का बहुत येल्लो सा होता है, बट ऑरेंज भी लगेगा, बट ऐसा नहीं है, उसे हम बोलते हैं ब्राइट येल्लो, यानी कि ब्राइट येल्लो कलर होता है 200 रुपीज़ का नोट, यानी 200 का नोट पे ब्राइट येल्लो कलर होता है। और जो उसका साइज होता है वो कितना होता है, उसका जो साइज यानी कि आकार कितना होता है 66 × 146 mm, यानी कि 66 × 146। अब जिसके नोट के पीछे 200 के नोट के पीछे क्या छपा है, सांची का स्तूप, क्या छप रहा है, सांची का स्तूप। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को जैसे जानना है सांची का स्तूप किसके पीछे छप रहा है, 200 के नोट के पीछे, और ये कहाँ पर है, तो आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग बना रखी है, आप उस वीडियो पर जाएं, बेसिक नॉलेज मैंने बना रखी है वीडियो, यूट्यूब पे ही है, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगी, उसके पर नोटों की छत हो ना, तो थंबनेल देखोगे तो आप उसके पीछे नोट लग रहे होंगे और कौन से नोट के पीछे क्या छप रहा है ऐसी कुछ करके। ठीक है, तो मैं आपको अभी वो लिखवाता हूँ, इतना आप नोट करो उसे। तो नेक्स्ट आगे करते हैं हम शुरू, हमारे पास जो बचते हैं अब दो नोट रह गए हैं, 500 और 2000, यानी कि 500 और 2000। जो 500 का नोट है उसका कलर कैसा है, स्टोन ग्रे, कैसा कलर है देखने में, स्टोन ग्रे। और जो उसकी साइज कितना है, उसका साइज जो है लेंथ एंड वेंथ जो भी है, कैसी क्या है लंबाई और चौड़ाई, यानी 66 × 150 mm, यानी कि 66 × 150 mm। ठीक है, इस 500 के नोट पर पीछे क्या छप रहा है, इसके पीछे छप रहा है लाल किला, कौन सा वाला, दिल्ली का लाल किला। और जो अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट 2000, यानी कि 2000 रुपये का नोट, ये 2000 के नोट के पीछे, इससे यानी पहले तो बात इसके पीछे छप के रहा है मंगलयान मिशन, आपने देखा होगा जो इंडिया का मंगलयान मिशन था वो 2000 नोट के पीछे छप रहा है। और जो हमारे पास कलर कैसा है इसका, मैजेंटा कलर है, कैसा कलर है, मैजेंटा। और जो इसकी साइज कितना, जो इसकी लंबाई एंड चौड़ाई है वो कितनी है इसकी, 66 × 166 mm, ठीक है, यानी कि 66 × 166 mm। अभी आपका आज फीचर्स ऑफ न्यू नोट्स यानी कि भारत के नए नोटों की विशेषताएं ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, तो आपको पता है जो अधिकतम इंडिया में जो अधिकतम मूल्य है, यानी कि जो सिक्के का मूल्य, मतलब सिक्के पे कितनी छापा जा सकता है, यानी कि जो उसकी अधिकतम रकम कितनी हो सकती है सिक्के की, यानी कि 1000, कितनी हो सकती है 1000। और जो नोट है अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है नोट की, 10000। जो हमारे पास कोइन होती है, कोइन अब तक आपने कितना सिक्का देखा, 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो कोइन होती है ना, जो उसकी अधिकतम वैल्यू हो सकती है, यानी अधिकतम मूल्य, यानी अधिकतम प्राइस कितना हो सकता है, 1000, यानी जो सिक्का होगा हमारे पास इंडिया का सिक्का, तो 1000 रुपये के सिक्के से ज़्यादा ऊपर नहीं छापा जा सकता, मतलब कि जो उसकी वैल्यू होगी 1000 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, बट जो हमारे पास इंडियन नोट होता है उसकी लिमिट कितनी है, यह है 10000। ठीक है, हमारे इंडिया में ना, पहले आप इसे नोट करो फिर मैं बताता हूँ आपको, हमारे इंडिया में ना, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे इंडिया में जो विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी कितनी बार हुई है, भारत में जो नोटबंदी हुई है 3 बार हुई है, और 3 बार हुई है तो यानी 3 बार हुई तो जाहिर सी बात है उसमें कोई से नोट बंद किए गए होंगे, जो भी नोट चलन में रहे होंगे, तो 3 बार जब नोटबंदी हुई है तो कौन से नोट बंद किए गए, क्या आप मुझे बता सकते हो, मिटा दूँ से अब, ठीक है, जो हमारे इंडिया में 3 बार नोटबंदी हुई है, यानी नोट जो उस टाइम चलन में थे, तो सबसे पहले कौन सा नोट बंद किया गया, कितने रुपए का नोट था जो इंडिया में सबसे पहले
नोटबंदी के दौरान बंद किया गया। तो जो नोटबंदी के दौरान बंद किया गया इंडिया में सबसे पहले नोट था वो 10,000 रुपये का, नोटबंदी के टाइम बंद किया गया। उसके बाद 5,000 रुपये का, और जैसे कि आपने देखा ही था 2016 में कितने का बंद किया गया, 1,000 रुपीज़ का। ये सभी नोट क्या हुए, 3 बार इंडिया में विमुद्रीकरण हुआ, यानी कि नोटबंदी हुई, और ये नोट तीनों बार एक एक करके सीरियल वाइज क्या करे गए, बंद कर दिए गए। यानी कि इंडिया में इन नोटों की वैल्यू अब समाप्त, यानी कि नोट अब नहीं मिलेंगे देखने को आपको, ठीक है। नोटबंदी के दौरान हुआ 3 बार, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सन में नोटबंदी लगी, किसके शासन काल में लगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए साफ सुंदर हैंड राइटिंग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।